एक सेकंड रुक जाओ, ये जाइंट स्पाई ग्लास इस पे ट्राई करने दो। ओह माय गॉड, ये जाइंट में कन्वर्ट हो गया। हेलो जाइंट भाई साहब, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? माइनक्राफ्ट बट वी कैन क्राफ्ट कस्टम ओपी स्पाई ग्लासेस। तो सबसे पहले तो आज मैं एक्सरे स्पाई ग्लास बनाऊंगा ताकि मैं विलेजर्स को बिना कपड़ों के नंगा पुंगा देख सकूं। देखो मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता नहीं इन सभी स्पाई ग्लासेस से क्या होगा, वो तो क्राफ्ट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर पता है, आज सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक्सरे स्पाई ग्लास, और उसके लिए चाहिए हम लोगों को सैंड जो यही पे है। लेट्स गो, फटाफट इन सभी को कलेक्ट करने दो। अरे भैया पानी, मेरा रास्ता ब्लॉक मत करो। ओके, तो मुझे लगता है इतना सैंड काफी रहेगा, बस एक ग्लास ब्लॉक ही क्राफ्ट करना है। तो अब दूसरा चीज चाहिए मुझे, कॉपर, और वो कॉपर मिलेगा हम लोगों को माइनिंग। वेट ए सेक, सामने एक विलेज है। ओ भाई सही है सही है, अब मुझे इन्हें नंगा पुंगा देखने के लिए 100 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन गाइस ये देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख गया, इसे तोड़ना तो बनता है। एंड भागो, अब जल्दी जल्दी भागो। ओके, तो ये विलेज तो एकदम परफेक्ट लोकेशन पे मिल गया। ये देखो आयरन गोलू भी है, तो अब बस मुझे ढूंढना है कॉपर, वो कहाँ पे मिलेगा। इधर कहीं पे कॉपर है क्या? लेट्स सी। हेलो कॉपर भाई, अरे कॉपर तो नहीं है, ज़ॉम्बी है। एंड कॉपर भी है भाई यहाँ पे। ओपी 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 इन द चैट बॉयज, आज कुछ ज्यादा ही लकी वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। फटाफट कॉपर भी मिल गया, सैंड भी मिल गया, विलेज भी मिल गया, ये बन गया मेरा पिकैक्स। तो भाई फटाफट कॉपर दे दो मुझे आराम से आराम से। ओह माय गॉड, पता नहीं मैं कैसे जिंदा बच गया। ओके, अभी मैं एकदम नूब तरीके से मरने से बच गया, भाई की इज्जत बच गई। एंड ये कॉपर हम लोगों को नहीं मिला। व्हाट द हेल, तुम्हारे भाई के साथ धोखा हो गया। ये कॉपर के लिए हम लोगों को स्टोन टूल्स चाहिए। ये सब बात ये लोग पहले नहीं बता सकते, हमेशा मेरा पोपट होने के बाद ही मुझे ये सब बात क्यों पता चलता है। अब मुझे एक स्टोन पिकैक्स बनाना पड़ेगा। लेट्स गो लेट्स गो, फटाफट ये भी बन गया हमारा स्टोन पिकैक्स। भाई तुम निकलो यहाँ से, तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे भैया वापस नहीं आना है मेरे पास, निकलो यहाँ से। एंड नाउ लेट्स कलेक्ट आवर स्वीट स्वीट कॉपर। वैसे सच्ची बताओ तो ये पहली बार हो रहा है जब मैं कॉपर किसी काम के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। एंड ये देखो यहाँ पे कोल भी है, चलो चलो स्मेल्ट करने के काम आएगा ये। 20 कोल मिल गया, ये तो अच्छा खासा स्टॉक फुल हो गया। तो फाइनली एक्सरे स्पाई ग्लास बनाने के लिए सब कुछ हो गया, अब बस बनाना है मुझे यहाँ पे दो दो फर्नेस। एक दो बन गया, और इधर एक साइड बनेगा हमारा कॉपर और इस साइड बनेगा हमारा ग्लास ब्लॉक। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक देखने दो मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी गाइस, पापी पेट के लिए तुम लोगों को टपकाना पड़ेगा। फाइनली सभी चीजें रेडी हो चुकी है, तो लेट्स गो। सबसे पहले अपना एक्सरे स्पाई ग्लास बनाया जाए, जो ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसे। एंटर, बन गया हमारा स्पाई ग्लास। तो कहा गए विलेजर्स, उन्हें मुझे नंगा पुंगा देखना है। देखो गाइस मुझे पता नहीं है इससे क्या होगा, बस यहाँ पे एक्सरे लिखा हुआ है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझ पे एक्सरे विजन आ जाएगा। एंड वो रहा विलेजर्स। भाई के साथ धोखा हो गया, मैं इसे नंगा पुंगा नहीं देख पाया। अरे भाई तो इसे होगा क्या? ओ व्हाट द हेल, ओ माय गॉड, ये होगा। ये देखो इससे हम लोग तगड़ी वाली माइनिंग कर सकते हैं। भाई 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 वो देखो, और कॉपर मिल गया। अच्छा तो इससे ये होगा। सिट, मैं इन विलेजर्स को नंगा पुंगा नहीं देख पाया, लेकिन कोई ना, ये देखो ये कितना मस्त है, ऐसे ऐसे माइनिंग करने में मजा आ रहा है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, यहाँ पे एक मस्त सा स्विमिंग पूल बना दिया जाए। ओके, तो पहला स्पाई ग्लास तो बना लिया, एंड इससे वो तो नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, लेकिन ये मस्त है। तो चलो अब बनाते हैं हम लोग दूसरा स्पाई ग्लास, और वो बनेगा डायमंड से, जिसे ढूंढने में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो इसी बात पे तुम लोग लाइक मार दो, 1 like = 1 diamond। और मुझे बहुत ही दुख के साथ करना पड़ रहा है, नहीं झूठ बोल रहा हूँ, दुख तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस आयरन गोलम को मुझे टपकाना पड़ेगा डायमंड पाने के लिए। थोड़ा सा संभल के फिर से मेरा पोपट ना हो जाए, ये बंदा कहीं गलती से भी मुझे टपकाना दे। आई एम सॉरी गोलू भैया, यूट्यूब कॉन्टेंट के लिए करना पड़ता है, आप क्या जानो एक यूट्यूबर का दुख तकलीफ। एंड देखा जाए इसने मुझे कितने आयरन दिए हैं, तो 4 आयरन दे दिया एंड 2 पॉपी दे दिया। ये हमेशा एक पॉपी देता है ना, क्या ये मेरा दुख दर्द समझ गया क्या? लेट्स गो, तो फटाफट यहाँ से बना लेते हैं आयरन पिकैक्स। ये तो बन गया, तो अब ढूंढना पड़ेगा डायमंड, एंड उसे ढूंढने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है। क्यों ना मैं ये एक्सरे स्पाई ग्लास का
देखो ये मेरा प्लान था, यहाँ पे कुछ भी गलती से नहीं हुआ। वो बात अलग है कि मेरे प्लान में फॉल डैमेज लेना नहीं था, तो मैं इसी की बात कर रहा था। मैं इसका यूज करके तो इजिली माइन कर सकता हूँ। ये देखो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बस नीचे पानी मिल जाए। अरे यार नीचे पानी नहीं है, तो अब लगता है ऐसा ही कर करके नीचे जाना पड़ेगा। एंड आ चुका हूँ मैं लेवल 16 पे। चलो यहीं से डायमंड ढूंढना चालू किया जाए, और तुम्हारा भाई आज इसे एक मिनट में ढूंढ लेगा, क्योंकि आज मेरा लक मेरे साथ है। लेट्स गो। व्हाट द फिश, मैं फिश बोल रहा था। okay. भाई सच में एक मिनट में डायमंड मिल गया। नहीं मतलब एक मिनट तो नहीं हुआ है, बहुत देर से माइनिंग कर रहा हूँ, पता नहीं कितने देर से इधर उधर भटक रहा था। तो फटाफट ये कलेक्ट करने दो, एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बना लेते हैं अपना अगला स्पाई ग्लास, जो बनेगा ऐसे। एंड ये हो गया मल्टीप्लिकेशन स्पाई ग्लास, तो देखने दो इससे क्या होगा। कुछ तो नहीं हो रहा भाई, कुछ तो हो जा, गड्ढा बड्ढा हो जा। वो देखो सामने हड्डी है, क्या ये हड्डी को मल्टीप्लाई कर देगा? न, हड्डी को तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। क्राफ्टिंग टेबल पे भी कुछ नहीं हो रहा, इधर मारता हूँ इधर कुछ होगा। ओके 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 ओके, समझ गया क्या होगा। शायद हम लोग इससे यस ओर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यो ब्रो ये तो खतरनाक है। ये देखो मैं यहाँ पे पूरा एरिया डायमंड से भर दूंगा। अरे नहीं, क्राफ्टिंग टेबल को नहीं भरना था। ये थोड़ा सा पगलेट वाला हरकत कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास प्लैंक्स नहीं है क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए। कोई बात नहीं, पहले सारा डायमंड तो मल्टीप्लाई करने दो। एंड अब लूटो, 1 2 भाई 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 अनलिमिटेड डायमंड मिल गया यहाँ पे। अरे यार अभी क्राफ्टिंग टेबल रहता ना तो मजा आ जाता, डायमंड और कलेक्ट करने के जगह मैं डायमंड ब्लॉक बना के उसे मल्टीप्लाई कर देता। अरे हाँ यही करूंगा, इतना सारा डायमंड और कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं हड्डी भाई, अमीर आदमी देखा नहीं कि आ गए लूटपाट करने। एंड गाइस हम लोगों को एमिथाइस तो नहीं मिला, लेकिन एक माइनशाफ्ट मिल गया। चलो थैंक गॉड ये प्लैंक मिला मुझे। ये क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए मैं कितना परेशान हो रहा था, अब क्योंकि ये क्राफ्टिंग टेबल बन चुका है तो फाइनली हम लोग बना पाएंगे एक ब्लॉक ऑफ डायमंड। लेट्स गो, अब इसे प्यार से मल्टीप्लाई किया जाए। अरे रुक जाओ, क्राफ्टिंग टेबल मुझे बचाना पड़ेगा। एंड भाई ये देखो, ये हुई ना बात। A few moments later. चलो बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया, अब चुपचाप अमिथाइस्ट और ढूंढा जाए। एंड गाइज ये मिल गया अमिथाइस्ट ब्लॉक, तो अगला स्पाई ग्लास भी बना पाएंगे। बस उसके लिए एक ही ब्लॉक ऑफ अमिथाइस्ट चाहिए, तो फटाफट बना लिया जाए भाई। उसके लिए ये रखो यहाँ पे, एंड ये दोनों रखो यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ। अरे हाँ याद आया, इसके लिए कॉपर और नहीं कॉपर ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ये भी बन गया, तो फाइनली अगला स्पाई ग्लास भी बना पाएंगे हम लोग। एंड ये है जॉइंट स्पाई ग्लास, क्या इसकी मदद से हम लोग जॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे? ट्राई करने दो, पता चली जाएगा। हम लोग तो जॉइंट में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन ये स्पाई ग्लास जरूर जॉइंट है। भाई ये तो लगता है मेरे से भी बड़ा है। कोई बात नहीं, इसका यहाँ पे तो यूज नहीं कर पा रहा, तो मैं समझ गया शायद ये मॉब्स पे यूज किया जा सकता है। चलो फिर ऊपर, शुभ काम में देरी कैसी, उन्हीं पे जाके ट्राई किया जाए। और शायद मैं ऊपर ऑलमोस्ट आ ही गया। लेट्स गो, फाइनली ऊपर आ चुका हूँ। तो अब थैंक गॉड ये विलेज यहीं पे है। चलो तो ये स्पाई ग्लास किस पे ट्राई करूं, स्पीक पे ट्राई करूं? एंड ओ माय गॉड, अरे भाई ये स्पाई ग्लास तो बड़ा मस्त है, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, क्या ये जायंट है तो ये ड्रॉप भी ढेर सारा करेगा? ना, ड्रॉप इसने तो ढेर सारा नहीं किया, लेकिन फिर भी भाई ये देखो भाई ये मस्त है। क्या ये किसी जॉम्बी पे भी काम करेगा, ये मकड़ी को? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी गाइज, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, मजा आ रहा है। अरे 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 ये फैंटम यहाँ पे कहाँ से आ गया? अरे मैं छुप क्यों रहा हूँ, रुक जाओ ये फैंटम पे भी ट्राई करने दो। एंड भैया जी बड़ा हो जाओ। ओ माय गॉड मस्त है ये। अरे नहीं मारना नहीं मुझे, ये स्पाई ग्लास अभी तक का बेस्ट स्पाई ग्लास लगा मुझे। तो रुक जाओ, सामने आयरन गोलम है, इसे भी जॉइंट कर देता हूँ। ये हुआ ना बात, अब आएगा ना इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मजा। ठीक है सही है, अब सारे विलेजर्स कहाँ भाग गए? अरे सब खर्राटे मार के सो रहे हैं लगता है, उन्हें भी मुझे जॉइंट में कन्वर्ट करना था। लेकिन रुक जाओ, उससे पहले हम लोग क्यों ना अगला स्पाई ग्लास बना लेते हैं, और उसके लिए मुझे आयरन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। और मैं गधेड़ा, मैंने आयरन लगता है फेंक दिया। अरे यार इतने सारे आयरन माइन किए थे एंड मैंने लगता है फेंक दिया। थैंक गॉड यहाँ पे आयरन है। चलो इन सभी को फटाफट कलेक्ट करने दो, मैं बिना हरकतें करता रहता हूँ। तो इनफ रॉ आयरन हो गया है, इजिली एक आयरन ब्लॉक बन जाएगा। एंड गाइज ये बन गया हमारा मिनियन स्पाई ग्लास, इससे क्या मिनियंस पैदा हो जाएंगे? लेट्स गो, इसे ट्राई किया जाए।
अच्छा मिनियंस पैदा नहीं हुए, लेकिन ये छोटू आयरन गोलम पैदा हो गया। इसे भी हम लोग इन्फिनाइट नंबर में पैदा कर सकते हैं। भाई 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 भाई, यहाँ पे मैं इसकी आर्मी खड़ा करने वाला हूँ, एंड अब मैं इन्हें जायंट में कन्वर्ट कर दूंगा। लॉल, ये देखो, तो ये हुई ना बात। ये देखो, इन लोगों का डैड ये हुआ और ये लोग इनके बच्चे हुए हैं। तो भाई आज तो मजा आ गया इन सभी स्पाई ग्लास का यूज करके। तो चलो मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।